अगले दर्शक हमारे साथ भोला सिंह हैं, यस बैंक। 300 शेयर है इनके पास 28 रुपए 38 पैसे के भाव पर। क्या करना चाहिए किरण जी इनको? अगर आप देखें जुलाई के हाई से तो ये काफी कमजोर हुआ है, करीब करीब 15% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहां पे 26-27 रुपए के आसपास का भाव था, 20 रुपए 35 पैसे आ गया है। इनको नुकसान हो रहा है काफी ज्यादा, क्या करना चाहिए? रुके यस बैंक में? सो यस बैंक का अगर आप मंथली और वीकली चार्ट देखोगे तो ये एक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही, लास्ट टाइम इसने 18 और 20 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक ऊपर 30 रुपीज तक गया था। वापस हमने देखा है कि लास्ट मंथ 19 रुपए 20 पैसे का ऑलरेडी लो बना दिया है, वहां से एक रिकवरी तो आई है, बट मेरे हिसाब से अभी ये रिकवरी का कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इनको या तो 18 रुपए के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए। अगर 18 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो वापस चांसेस है 30-32 रुपीज आ सकता है। अब 18 रुपए बोलने के लिए बहुत कम स्टॉप लॉस, लेकिन परसेंटेज वाइज 10% का स्टॉप लॉस है। सो एज ऑफ नाउ 18 रुपीज का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर वो उसकी उनकी रिस्क कैपेसिटी है तो मेरे हिसाब से 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ओके, तो 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है यस बैंक में।